morning, students. Today we discuss about real number and their classification. हमने previous class में कुछ इसके बारे में topic के बारे में detail किया था. Real number, imaginary number वगैरह बताए थे. Real number क्या होता है, imaginary number क्या होता है, ये सब हम discuss कर चुके थे. Rational, irrational के बारे में भी कुछ discuss हुआ था. लेकिन फिर भी हम इसको अभी एक बार फिर revise. तो आप देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. रियल नंबर को आपने देखा था कि जिसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर देता हो, या सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो है वह रियल नंबर है, ऐसे भी कर सकते हैं, या उसका जिसका स्क्वायर पॉजिटिव रेशनल देता हो वो भी कर सकते हैं. अब हम आते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, बताया गया था, फिर भी हम इसे रिवीजन करते हैं. इसमें तीन ही टर्म है जो विशेष ध्यान देने की बात है. पहला कि अ नंबर विच कैन बी expressed as p by q, where q does not equal to 0, and p q must be integers. यानी तीन चीज आपको फोकस करना है यहां पर, कि एक नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो, यानी न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर के फॉर्मेट में हो. फ्रैक्शन आपने पढ़ा ही होगा, तो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो. दूसरा चीज ध्यान देना है कि डिन्यूमरेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो. और तीसरा टर्म कि पी क्यू इंटीजर ही होगा. इसको क्यों लिखा गया कि अगर मान लिया 1/√2 लिखा हुआ है तो क्या यह रेशनल है, तो नहीं है, क्योंकि रूट टू इंटीजर नहीं है. रूट टू क्या है, इंटीजर नहीं है. इसका मतलब ये तीन टर्म आपको ध्यान देना है कि नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन क्यू जीरो भी नहीं हो. अब आप कहेंगे जैसे 2/0 क्या यह रेशनल है, तो नहीं, ये रेशनल नहीं है. क्यों, क्योंकि डिन्यूमरेटर इसका जीरो है, ये नॉट डिफाइंड होगा. ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा. तो इस तरह से हमने ये तीन चीज को दिखाया कि अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट को फॉलो करता हो, पी वाई क्यू के फॉर्मेट हो, फॉर एग्जाम्पल 2/7 -4/13 11/14 2 -3 0/1 22/7 etc. तो या अगर हम इसका डेसिमल फॉर्मेट भी देखें तो वो भी होगा जैसे 2.3 3.33 3.3 रैकिंग. तो इस तरह से आपने देखा कि जो नंबर इस फॉर्मेट को फॉलो करता हो, अब हमने डेसिमल में भी दिखाया जैसे 2.3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 23/10. तो ये इसमें 23 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर, क्लियर. तो ये डेसिमल फॉर्मेट में भी फॉलो करेगा, पी वाई क्यू के फॉर्मेट को भी फॉलो करेगा. बस ध्यान देना है ये कि ये दोनों p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है. दूसरा क्या ध्यान देना है कि q जीरो के बराबर न हो, ठीक है, और ये p by q के फॉर्मेट को फॉलो करता हो. तो इस तीन बात को अगर आप ध्यान देंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि वो नंबर जो भी इस फॉर्मेट में हो, p by q के फॉर्मेट में हो, और जिसमें दोनों पी क्यू इंटीजर को इंटीजर हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर होंगे, ठीक है. तो आप समझ गए कि अगर आइडेंटिफाई करना हो, चूज करना हो कि आप रेशनल नंबर चूज करें,
सेपरेट करें तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ तीन चीज क्या देखना है, पी क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर कोई आपको दिखाया गया है जैसे टू है, माइनस टू है, फोर है, थ्री है, तो ये सब पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे है, तो इसके नीचे वन लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर अगर कोई नहीं हो तो कुछ नहीं हो तो उसको वन लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर छुपा हुआ है वो वन है। इसका मतलब है कि ऑल इंटीजर्स आर डेसिमल नंबर, यानी जितने इंटीजर्स हैं वो भी डेसिमल नंबर के अंदर आएंगे। तो क्लियर है कि आपको देखना है कि इंटीजर को फॉलो करता हो पी और क्यू, दूसरा कि वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, अगर क्यू नहीं भी कुछ है तो वन होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कभी भी इरेशनल नहीं हो, कभी भी जीरो नहीं हो, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं हो, ठीक है, इस तरह का पावर यानी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट नहीं हो। अब जैसे 2 टू द पावर 1 बाई 2 क्या यह रेशनल है? 2 टू द पावर 1 बाई 2 अगर लिखा हुआ है तो क्या यह रेशनल है? आप कहेंगे कैसे, तो ये रेशनल नहीं है क्योंकि 2 टू द पावर 1 बाई 2 का मतलब होता है रूट अंडर 2, ठीक है। तो इससे आप क्लियर हो गया कि आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है डेसिमल नंबर को, यानी डेसिमल नंबर जब आइडेंटिफाई करना होगा तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो क्या क्या है, पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू मस्ट बी इंटीजर। उसके बाद ये ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है तो उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर आप देखें, अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस एज पी बाय क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्लियर, ये रेशनल है पी वाई क्यू, यानी रेशनल को छोड़कर के जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होगा, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सकता। इसका हम प्रूफ भी अभी दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या होगा, क्यों ऐसा होगा कि वह पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं रूट टू की, क्या इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अगर हम लेट करते हैं, लेट ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, हमें कंटाडिक लिए कि रूट टू क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो आपको एक और चीज बताना है कि डेसिमल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें पी बाई क्यू के फॉर्म में तो क्या है या नहीं, तो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, क्या देखें, टू आएगा इधर आएगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ओके। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखेंगे आप, या गया, अब ये 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है, चूंकि पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू, यानी 2 क्यू का मतलब 2 का 2 से डिविजिबल है, 2 का फैक्टर यहां पर सेंट है 2, तो अगर 2 से यह डिविजिबल है पी स्क्वायर, इसका मतलब पी भी डिविजिबल होगा 2 से, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अब देख लिया आप कि 2 पी स्क्वायर का भी फैक्टर है तो 2 पी का भी फैक्टर होगा, और 2 पी का फैक्टर हो गया तो हम पी को मान सकते हैं लेट
पी इज इक्वल टू टू एम, क्या मान सकते हैं टू का फैक्टर है, टू का कितना भी टाइम्स कर सकता है, टू एम टाइम्स हो सकता है कि p कट रहा हो, डिविजिबल हो, तो हमने इसको ले लिया p इक्वल टू टू एम। अब पुट कर देंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में डालने के बाद क्या देखते हैं कि p के जगह पर अगर डालें तो टू एम का स्क्वायर इसका टू टू क्यू स्क्वायर, अब फोर एम स्क्वायर इसका टू टू क्यू स्क्वायर, टू से कट गया क्या आ जाएगा टू एम स्क्वायर इसका टू क्यू स्क्वायर। अब देखे क्यू स्क्वायर इसका टू टू एम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि टू इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, टू इज फैक्टर ऑफ क्यू। अब आपने देखा कि यहां पर 2 is factor of p and q both, दोनों का factor है, जो क्या है p और q दोनों का common factor है, यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी rational number simplest form में 1 के अलावा कोई HCF नहीं होता है, कोई common factor नहीं होता है। यहां पर दिख रहा है कि 2 factor है, यानी कि our contradiction is wrong. हमने जो माना था वो गलत हो गया, यहां पर टू एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब रूट टू इज रूट टू इरेशनल नंबर है, यानी पी बाय क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमने दिखाया आपको वेरिफिकेशन दिखाया इस डेफिनेशन का कि आप देखिए हमने क्या लिखा, अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाय क्यू, ऐसा नंबर जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिखेंगे वो क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर, और ऐसा नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो क्या होगा रेशनल नंबर। तो ये क्लियर हो गया, ये वेरिफिकेशन आपको टेंथ में भी पढ़ना है कि इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, आप इसको वेरीफाई करें तो इसको आप इससे कर सकते हैं, या आगे भी काम करें।